नमस्कार। आपका पैसा मैनेज करने के बदले में म्यूचुअल फंड्स कुछ फीस चार्ज करते हैं, जिसे एक्सपेंस रेशो कहते हैं। एक्सपेंस रेशो एनुअली यानी सालाना चार्ज किया जाता है। कोई म्यूचुअल फंड स्कीम जिसका एक्सपेंस रेशो 1% है, अगर आप उस म्यूचुअल फंड स्कीम में 1 लाख रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका मतलब है कि आप उस म्यूचुअल फंड को 1000 रुपये पे कर रहे हो और सालाना आपको ये 1% एक्सपेंस रेशो पे करना होगा। एक्सपेंस रेशो म्यूचुअल फंड को अलग से पे नहीं करना पड़ता है। एक्सपेंस रेशो को NAV दैट इज नेट एसेट वैल्यू निकालते वक्त ही डिडक्ट किया जाता है, यानी काटा जाता है। अगर आपको NAV दैट इज नेट एसेट वैल्यू क्या होती है ये पता नहीं है तो आपको बता दूं कि जैसे कंपनीज के शेयर्स होते हैं वैसे ही म्यूचुअल फंड स्कीम्स के यूनिट्स होते हैं। और जैसे शेयर प्राइस मतलब एक शेयर की प्राइस होती है, उसी तरह NAV मतलब एक यूनिट की प्राइस होती है। अगर किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के यूनिट्स आपने 10 रुपये की NAV पर खरीदे थे और अब उसकी NAV 15 रुपये है तो आपको 50% रिटर्न मिला है, और ये 50% रिटर्न एक्सपेंस रेशो डिडक्ट करने के बाद मिला है, क्योंकि एक्सपेंस रेशो को NAV निकालते वक्त ही डिडक्ट किया जाता है। म्यूचुअल फंड स्कीम्स के NAV डेली पब्लिश किए जाते हैं और एक्सपेंस रेशो डेली बेसिस पर NAV निकालते वक्त डिडक्ट किया जाता है, यानी काटा जाता है। यानी एक्सपेंस रेशो आपकी इन्वेस्टमेंट की हर दिन की वैल्यू से डिडक्ट किया जाता है। मान लीजिए कि कोई म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसका एक्सपेंस रेशो है 1% और आपने उसमें 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किए हैं, और ये 1% एक्सपेंस रेशो आपको एनुअली यानी सालाना लगेगा। एक साल में 365 डेज होते हैं तो एक दिन का एक्सपेंस रेशो होगा 1% डिवाइडेड बाय 365 डेज। तो अगर पहले दिन आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1 लाख रुपये से 1,100,000 रुपये हो जाती है तो उस दिन आपके 1% डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाइड बाय 1,100,000 रुपीज़ दैट इज 2.74 रुपीज़ कटेंगे। उसके अगले दिन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1,100,000 रुपये से 1,500,000 रुपये हो जाती है तो उस दिन आपके 1% डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाइड बाय 1,500,000 रुपीज़ दैट इज 2.75 रुपीज़ कटेंगे। इस तरह डेली बेसिस पर एक्सपेंस रेशो आपकी उस दिन की इन्वेस्टमेंट वैल्यू से कटता रहेगा। और एक खास बात, शेयर्स बाय एंड सेल करते वक्त म्यूचुअल फंड को जो ब्रोकरेज एंड अदर चार्जेस लगते हैं वो एक्सपेंस रेशो में शामिल नहीं होते हैं, और ये चार्जेस भी NAV कैलकुलेट करते वक्त डिडक्ट किए जाते हैं। एक्सपेंस रेशो में फंड मैनेजमेंट फी, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, लीगल एंड ऑडिट एक्सपेंसेस एट्सेट्रा, ये सारे चार्जेस शामिल होते हैं। एक्सपेंस रेशो में जो मेन फीस होती है वो है फंड मैनेजमेंट फीस। अब किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम का एक्सपेंस रेशो उस म्यूचुअल फंड की फैक्टशीट या उस म्यूचुअल फंड की वेबसाइट या valuesearchonline.com इस वेबसाइट पर देख सकते हो। लॉन्ग टर्म में एक्सपेंस रेशो बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि कंपाउंडिंग इफेक्ट के कारण एक्सपेंस रेशो से आपके रिटर्न्स पर काफ़ी असर पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि जिन म्यूचुअल फंड स्कीम के एक्सपेंस रेशो कम होते हैं वो अच्छे होते हैं। म्यूचुअल फंड स्कीम अच्छी है या नहीं, आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स को सूट हो रही है या नहीं, इसे समझने के लिए आपको बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स एनालाइज करने होंगे, जैसे कि उस स्कीम का परफॉर्मेंस, फंड मैनेजर की स्किल्स और एक्सपर्टीज, उस स्कीम का रिस्क एंड रिवॉर्ड फैक्टर एट्सेट्रा। ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड स्कीम ने एक बार जो एक्सपेंस रेशो दिखाया है वो हमेशा के लिए सेम ही रहेगा। आपने इन्वेस्ट करने के बाद भी उस स्कीम का एक्सपेंस रेशो चेंज हो सकता है। सेबी गाइडलाइंस के अनुसार अगर कोई म्यूचुअल फंड स्कीम एक्सपेंस रेशो बढ़ा रही है तो उसे उस स्कीम के इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म करना जरूरी है। अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अलग अलग एक्सपेंस रेशो होते हैं, तो म्यूचुअल फंड स्कीम जिस कैटेगरी में आती है उस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड स्कीम के एवरेज एक्सपेंस रेशो से आप उस म्यूचुअल फंड स्कीम का एक्सपेंस रेशो कंपेयर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते कि ABC नाम की कोई लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसका एक्सपेंस रेशो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के एवरेज एक्सपेंस रेशो से बहुत ज़्यादा है। तो अगर ABC म्यूचुअल फंड स्कीम का बहुत एक्सेप्शनल ट्रैक रिकॉर्ड है और वो स्कीम वाकई में ज़्यादा एक्सपेंस रेशो डिजर्व करती है तो ठीक है, पर अगर वो कोई एवरेज म्यूचुअल फंड स्कीम है और उस कैटेगरी के एक्सपेंस रेशो से उसका एक्सपेंस रेशो बहुत ज़्यादा है तो आपको उस पर सोचने की आवश्यकता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशो पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशो से बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर को रिसर्च करके खुद स्टॉक्स पिक करने होते हैं। वही पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर को रिसर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो बस इंडाइसेस या फंड्स को ट्रैक करते हैं, उन्हें खुद स्टॉक सिलेक्ट नहीं करने होते हैं।